श्री हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। हम लोगों का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत से आरंभ होता है, जिसको हम नव संवत्सर आरंभ महोत्सव कहते हैं। किंतु इस समय प्रायः समग्र विश्व का व्यवहार अंग्रेजी वर्ष के अनुसार ही चल रहा है। एतावता अंग्रेजी वर्ष को भी हम व्यावहारिक वर्ष के रूप में मान्यता देते हैं, और इस मान्यता के कारण हम इस अंग्रेजी नववर्ष का अभिनंदन करते हैं। यह 2021 पूर्ण होने वाला है और 1 जनवरी से 2022 आरंभ होने वाला है। हम जिस किसी भी प्रमाद में हमारा 2021 गया, जाने दो, उसका पश्चाताप हमारे मन में अवश्य होना चाहिए। किंतु अब इस वर्ष की समाप्ति का उत्सव हम बहुत विवेक पूर्वक मनावें, समाज के, राष्ट्र के सर्वांगीण हित चिंतन में, भगवान के मंगलमय स्मरण में, गोवंश की सेवा और संरक्षण की पवित्र भावना में, उसके चिंतन में, विचारों में, अब जो कुछ भी समय 2021 का शेष रह गया है उसको व्यतीत करें और आगामी नववर्ष, अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष 2022 पहली तारीख 1 जनवरी को सात्विक प्रकार से विवेक पूर्वक इस अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष को मनावें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, गोष्ठ में जाकर सेवा करें, गोवंश का पूजन करें, माता पिता का पूजन करें, संकीर्तन करें, सत्संग करें। क्योंकि हमारे वर्ष के आरंभ का दिन जिस प्रकार से अच्छी प्रकार से व्यतीत होगा, वैसे ही भगवत कृपा से हमारा संपूर्ण वर्ष व्यतीत होगा। इसलिए अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष की खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब शुभ कामना श्री जड़खोर गोधाम की ओर से, श्री पथमेड़ा गोधाम की ओर से एवं श्री सूरश्याम गोधाम की ओर से एवं श्री मलुक पीठ की ओर से एवं समस्त संत समाज की ओर से, ब्राह्मणों की ओर से, गोवंश की ओर से व्यावहारिक अंग्रेजी नववर्ष की खूब खूब मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अखिल विश्व में गोवंश की रक्षा हो, वेदलक्षणा भारतीय देशी गोवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, गोवंश सुखी हो, भारतवर्ष गोवध के कलंक से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो, यहाँ की कृषि व्यवस्था गोआधारित हो, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था गोआधारित हो, यहाँ का खान पान उसमें सात्विक गव्य पदार्थों की ही प्रधानता हो। यही सब मंगल कामना करते हुए अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष का आप सबको खूब खूब मंगलमय आशीर्वाद। नारायण नारायण।